सबसे पहले नववर्ष के आगमन पर की तरफ से आप सभी को नया साल मुबारक हो। बेहद ज़्यादा जो है वो लोग हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न मनाने यहाँ पर पहुँचे हैं। इस जश्न से जुड़ी हुई खबरें भी आपसे चर्चा करेंगे उन पर। इसके अलावा सरकार की बात करेंगे, कर्मचारियों के मसलों पर जो है वो चर्चा करेंगे। आज कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ नई बात सामने आई है वो आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल कैसा है, सरकार आज सचिवालय में पहुंची थी, आखिर क्या कुछ किया गया, कल कैबिनेट की बैठक है उस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम सारी खबरों पर हम विस्तार से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है। तो आज जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में जश्न का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। नए साल के जश्न के लिए प्रदेश की जितने भी पर्यटक सैरगाहें हैं वहां पर लाखों की संख्या में जो है वो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में जुटे हुए हैं। इस वक्त राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। रिज मैदान खचाखच जो है वो भरा हुआ है लोगों से, पर्यटकों से, स्थानीय लोगों से, और वहां पर जश्न चल रहा है। इन दिनों पहली बार इतिहास में हुआ कि विंटर कार्निवाल जो है वो शिमला में भी मनाया जा रहा है, तो इस कार्निवाल का पूरा आनंद ले रहे हैं लोग। इसी के साथ शिमला के साथ साथ जो है वो मनाली, जो पर्यटक सैरगाहें हैं हिमाचल प्रदेश की, मनाली, कसौली, डलहौजी, धर्मशाला, वहां पर भी काफी ज्यादा जो है वो जश्न का वहां पर माहौल है और लोग जो है वो तरह तरह से अपना जो है वो इंजॉयमेंट वहां पर कर रहे हैं। तो डलहौजी में भी भीड़ है, कसौली में भी, मनाली में भी, धर्मशाला में भी, इसके अलावा कई और स्थानों पर भी काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। शनिवार रात से ही टूरिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचना शुरू हो गए थे, तो टूरिस्ट का पहुंचना यहां पर शुरू हो चुका था। पिछले कल से हजारों की संख्या में वाहन जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं। पर्यटन स्थलों में डीजे पार्टीज का जो है वो आयोजन किया गया है, रात भर जो है वो गानों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी जो है वो टूरिस्ट का यहाँ पर इस्तकबाल किया है, उनका स्वागत किया है और टूरिस्ट के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि पूरी रात वो झूम सकते हैं और पूरा इंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं। आज खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भी यही बात कही कि हिमाचल प्रदेश जिस बड़ी त्रासदी के साथ गुजरा है अभी पिछले दिनों में, और उस 3 महीने के अरसे में प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज एक बार फिर हिमाचल प्रदेश वैसा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है जैसा यहाँ पर पहले से था। तो शिमला में जो सैलानी आए हैं, शिमला के शोघी बैरियर पर उनकी चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान उनके पास जो है वो हथियार भी वहाँ पर मिले, हथियार यानी रॉड, डंडे लेकर जो है वो ऐसे लोग भी यहाँ पर चल रहे थे जिनकी पुलिस ने वहाँ पर पूरी चेकिंग की। वाहनों की, बाहर से आने वाले सभी वाहनों की चेकिंग वहाँ पर जारी है और इस तरह के हथियार जो डंडे रॉड आदि जो है वो मिल रहे हैं उनको वहाँ पर निकाला जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से। इस तरह की कोशिशें जो है वो पुलिस द्वारा बड़े बेहतर तरीके से यहाँ पर की जा रही है। तो बाहर से आने वाले सभी वाहनों की एक बार चेकिंग जरूर हो रही है ताकि यहाँ पर माहौल जो है वो खराब ना हो, जश्न मनाएं लेकिन माहौल को खराब ना करें, इस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर सरकार ने करके रखी है। अब बात करेंगे कल साल के पहले दिन की, तो पहले दिन सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक रखी है और मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो कल साल के पहले दिन सुबह 11 बजे जो है वो राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक से पहले आपको बता दें मुख्यमंत्री आज भी सचिवालय में थे, तो कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सरकार कई बड़े फैसले, बड़े तोहफे जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस कैबिनेट की बैठक में दे सकती है। आपको बता दें महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा जो है वो, उसको लेकर भी कुछ मामला जो है वो सामने आ सकता है। खासकर जो महिलाओं को बढ़ी हुई पेंशन दी जानी है उस पेंशन को लेकर जो है वो निर्णय लिया जा सकता है, उस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इससे पहले फैसला जो है वो सरकार इस पर ले चुकी है। तो इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर भी सरकार जो है वो निर्णय लेगी। ये भर्तियां राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जानी है। भविष्य में उसकी कार्यप्रणाली जो है वो किस तरह की रहेगी उसको लेकर भी सरकार कैबिनेट में मामला ला सकती है। सरकार के दिल्ली दौरे को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। आपको बता दें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जा रहे हैं, 3 और 4 तारीख को उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। तो किस तरह की चर्चा होगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, तो कल कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर भी बात की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने आज खुद कहा है कि उन्हें दिल्ली जाना है, मगर चर्चा जो है वो कल कैबिनेट में मंत्रियों के साथ होगी कि क्यों कौन से मुद्दे जो है वो इन बैठकों के दौरान दिल्ली में जो है वो चर्चा में रहेंगे, कौन से मुद्दों को उठाया जाएगा। तो कई बड़े अहम विषय हैं जिनको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। खासकर सबसे बड़ा मामला ये है कि हिमाचल प्रदेश को आपदा में जितना बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो केंद्र सरकार करे। बार बार डिमांड इसकी की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार से उतनी ज्यादा मदद हिमाचल के आशानुरूप जो है वो नहीं मिल पाई है। इसके अलावा बात करेंगे नई भर्तियों के शेड्यूल को, तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें जिसके चुनाव विभाग में इलेक्शन कानूनों के 15 पद जो है वो भरे जाने हैं, उनके लिए विज्ञापन निकाला गया है जिसमें 9 पद सामान्य कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। वहीं उद्योग विभाग में एक्सटेंशन ऑफिसर की 9 पोस्ट खाली हैं जिसमें 6 सामान्य कैटेगरी के लिए हैं, इसको भी भरा जाना है। और साथ ही साथ होमगार्ड और सिविल डिफेंस में भी 4 विभिन्न श्रेणियों के पद निकाले गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 27 जनवरी जो है वो तय की गई है। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति महकमे में 11 इन अधिकारियों को जो है वो प्रमोट किया गया था ताकि इन पदों पर इनकी तैनाती की जाए, लेकिन
अभी तक जो है वो इनकी तैनाती नहीं हो सकी है। एक महीने का समय हो गया है, इन्हें प्रमोशन के बाद अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है। तो फिलहाल इन्हें आयकर विभाग ने संबंधित जोन में जाने को कहा है और वहीं पर जो है वो अभी कुछ समय तक काम करेंगे, क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग की फाइल है वो अभी मुख्यमंत्री कार्यालय में है, वहाँ से क्लियर नहीं हो सकी है और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद ही इन अधिकारियों को, इन 11 एक्सियन को जो है वो तैनाती यहाँ पर दी जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश के दो नए मंत्रियों के विभागों को लेकर जो है वो पिछले कई दिनों से जो है एक ऐसा माहौल जो है वो बना हुआ है कि रोजाना ये सोचा जा रहा है कि आज विभाग मिलेंगे, लेकिन अब तक जो है वो मंत्रियों को विभाग नहीं मिल पाए हैं। इसको लेकर आज एक बार फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया गया कि वो अपने नए मंत्रियों को विभाग कब देंगे। आज सीएम सुक्खू मीडिया से मुखातिब जब हुए तो उनसे जानना चाहा, उनसे सवाल किया गया कि मंत्रियों के विभागों को आप कब जो है वो आवंटित करने वाले हैं, मगर सीएम एक बार फिर से इस मामले को जो है वो टाल गए। उन्होंने कहा कि जब विभाग देंगे तो आपको बता दिया जाएगा। वहीं नए मंत्री अरविंदर गोमा भी वहां पर मौजूद थे, उनसे भी पूछा कि आपको कब और कौन सा विभाग मिल रहा है, तो उनका कहना था कि जो मुख्यमंत्री की इच्छा होगी वो विभाग मिल जाएगा। तो फिलहाल मंत्रियों को जो है वो विभाग नहीं मिले हैं और फिलहाल ये उम्मीद भी नहीं लग रही है कि अभी मंत्रियों को विभाग दिए जाएंगे। अब ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर जाएं और दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद ही जो है वो मंत्रियों को विभाग मिले, क्योंकि आलाकमान से इस मुद्दे पर चर्चा की जानी है। हालांकि अभी पिछले दिनों सीएम दिल्ली गए थे, वहां पर बैठक भी हुई, लेकिन उस बैठक में जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी, उसमें कुछ अलग मुद्दे थे, उसमें मंत्रियों को लेकर बात नहीं हो सकी और यहां पर मंत्रियों का इंतजार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं विधायक राजेंद्र राणा को लेकर भी आज सीएम सुक्खू ने जो है मीडिया से एक बात कही, उनसे सवाल किया गया सीएम से कि राजेंद्र राणा के बयान पर जो है वो आपका क्या कहना है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि दिल्ली से तो उन्हें मंत्री बनाने के लिए हाँ की गई थी, लेकिन यहां पर मंत्री आखिर क्यों नहीं बने ये पता नहीं है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 20 दिन पुरानी बात है और राजेंद्र राणा ने खुद ही अपनी बात का स्पष्टीकरण जो है वो पहले ही दे दिया है, इसलिए उनको इस मुद्दे पर बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को नववर्ष की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भयंकर त्रासदी से जो है वो गुजरा है पिछले साल इस साल और 3 महीने में सरकार के प्रयासों से जो है वो पर्यटन को पंख लगे हैं। आज लाखों की तादाद में पर्यटक हिमाचल में पहुंचे हैं, ये इसका सबूत है कि हिमाचल सरकार ने कितनी तेजी के साथ काम किया और किस तरह काम किया। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने एक और अन्य सवाल पर कहा है कि भगवान राम के दिखाए गए रास्ते पर ही वो चल रहे हैं और उसी पर आगे चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या जाने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी अयोध्या से बुलावा नहीं आया है, मगर फिर भी बुलावे का इंतजार वो नहीं करेंगे और जल्दी ही जो है वो अयोध्या जाएंगे। भगवान राम हमारे आदर्श हैं और उनके दिखाए रास्ते पर वो चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आज मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी सचिवालय पहुंचे थे। सचिवालय में काफी देर तक इन दोनों नेताओं की जो है वो मंत्रणा हुई, बैठक हुई, अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया था कल, क्योंकि कैबिनेट है, कैबिनेट से पहले एजेंडों पर चर्चा हुई, कई दूसरे मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो मुकेश अग्निहोत्री जो प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी प्रदेश के लोगों को जो है वो नए साल की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने विपक्षी दल भाजपा के नेताओं को भी जो है वो नसीहत यहाँ पर दे डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लाखों लोग हिमाचल प्रदेश में आए हैं, जश्न मना रहे हैं, उससे विपक्ष की जो है वो आंखें पूरी तरह से खुल गई होंगी। उनका कहना था कि विपक्ष यही कहता रहा कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएगा, लेकिन टूरिस्ट जो है वो बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में पहुंचा है, ये गवाही है हिमाचल प्रदेश में सरकार किस तरह का काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि विपक्ष आने वाले साल में, यानी अब जो नया साल आ रहा है, उस नए साल में रचनात्मक भूमिका निभाए, सकारात्मक एजेंडा के साथ जो है वो काम करे, सरकार का सहयोग करे, तो हिमाचल प्रदेश को उन्नति के पथ पर एक साथ मिलकर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक साल में सरकार गिरा देने की सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो पूरी नहीं हुई। एक साल जो है वो सफलता के साथ यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने अपना पूरा किया है और अब दूसरे साल में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने विपक्ष को इस तरह की नसीहतें दी और कहा कि अपने ऐसे इस तरह के जो इरादे हैं उन इरादों को जो है वो छोड़ दें, नकारात्मक सोच से बाहर निकले। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की, तो कर्मचारी मसलों को लेकर एक कमेटी का गठन राज्य सचिवालय में किया गया है। सचिवालय कर्मचारी संगठन ने एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है वो किया है और ये कमेटी सचिवालय कर्मचारियों के साथ साथ दूसरे कर्मचारियों से भी बातचीत करेगी और उनके मुद्दों को जो है वो जानेगी, ताकि एक इसके ऊपर जो है एक रिपोर्ट तैयार की जाए और ये रिपोर्ट सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन को दी जाएगी। आपको बता दें फरवरी महीने में इनकी सीएम के साथ जो है वो बैठक होने वाली है, जहां पर कर्मचारियों की मांगों को जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन कर्मचारियों की मुलाकात हुई थी, सचिवालय कर्मचारियों की। इन्होंने अपना कैलेंडर रिलीज किया और इसके साथ कुछ अन्य मुद्दों पर बात हुई और इसके बाद ही निर्णय लिया गया कि 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी जो है वो कर्मचारियों की मांगों को लेकर अपनी रिपोर्ट बनाएगी। उधर दूसरी तरफ अभी बिजली बोर्ड कर्मचारियों के हाथ जो है वो अभी निराशा ही लगी है।
ओपीएस को लेकर जो है उनके लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। आज साल का आखिरी दिन है और बिजली बोर्ड कर्मियों में जो है वो निराशा फैली हुई है। अभी तक ओपीएस का लाभ उन्हें जो है वो नहीं मिल पाया है, जबकि सीएम ने इसका ऐलान कर रखा है। बताया जा रहा है कि पिछले कल बिजली कर्मचारी जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन मिलने का समय जो है वो उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे में कर्मचारी जो है वो खासे परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें। एक तरफ उनको ओपीएस की फाइल भी जो है उनकी जो है वो चल रही है आगे, दूसरी तरफ वित्त विभाग उस पर जो है वो अड़ंगा लगाए बैठा है और मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब सीएम से मिलने का समय जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। अब नए साल में कर्मचारी जो है वो नई रणनीति बना सकते हैं। उनकी रणनीति किस तरह की होगी, क्योंकि नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा है और काफी समय जो है वो लग चुका है, इन्हें इनका जो है वो जायज हक अभी नहीं मिल पाया है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम ने पहले ही कहा था कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों को भी ओपीएस दिया जाएगा, लेकिन अभी कई तरह के व्यवधान इसमें जो है वो लगातार चल रहे हैं। तो ऐसे में कर्मचारी नाराज हैं। अब देखना होगा कि आगे कर्मचारी इस मसले पर क्या रणनीति बनाते हैं। आज चिड़गांव में एक 6 कमरों का मकान, 2 मंजिला मकान जो है वो जलकर राख हो गया। सुबह 7 बजे की ये घटना जो है वो सामने आई है। आग लगने की सूचना जो है वो सुबह मिली और आग पर काबू पाने से पहले वो पूरी तरह से राख हो चुका था। तो ये मकान पूरी तरह से जल चुका है, लेकिन किस वजह से जला इसका कारण जो है वो अब तक पता नहीं चल पाया है। तो घर में कोई भी बिजली का कनेक्शन जो है वो नहीं था, बावजूद इसके ये मकान जो है वो जलकर राख हो गया है। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सैरगाहों की। तो हिमाचल प्रदेश का जिस तरह का अभी मौसम यहाँ पर बना हुआ है, टूरिस्ट हालांकि इस से जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं कि व्हाइट यहाँ पर होगा, बर्फबारी जो है वो यहाँ पर होगी, बर्फबारी से नए साल का आगाज जो है वो करेंगे, स्वागत उसका करेंगे, लेकिन फिलहाल इन क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी की कोई भी उम्मीद यहाँ पर नहीं लग रही है। आज शिमला की बात करें तो पूरा दिन मौसम यहाँ साफ बना रहा और साफ मौसम में भी बर्फ की कोई उम्मीद यहाँ पर जो है वो फिलहाल जो है वो नजर नहीं आई। तो ऐसे साफ मौसम में भी यहाँ पर पर्यटकों ने जो है वो जमकर लुत्फ जरूर उठाया। अभी देर रात तक जो है वो जश्न का माहौल रहेगा प्रदेश के सभी सैरगाहों पर। तो हम शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी पर आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पूरा जश्न बता रहे हैं कि विंटर कार्निवाल में आखिर रिज मैदान पर क्या माहौल है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए।